आप सभी का नमस्कार। कलमकारी के मंच पे मार्क माई बुक द्वारा ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और बहुत खूबसूरत सी पहल है कि इसमें 9 दिन, नवरात्रि के 9 दिन में 9 अलग-अलग महिलाओं को यहाँ बुलाया जाएगा, उनसे आपकी बातचीत कराई जाएगी, आपका परिचय कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि वो कितनी मेहनत से, कितने जज्बे के साथ लगी हुई है अपने काम में और यहाँ तक अपना मुकाम उन्होंने बनाया है। आज हमारी जो मेहमान हैं वो अदिति माहेश्वरी गोयल हैं, जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी उनका एक छोटा सा परिचय मैं आप लोगों को दे देती हूँ। वो वाणी प्रकाशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और मेरे लिए वो जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाली जो पोस्ट होती है वो एक प्रोफेशनल टर्म है, लेकिन मेरे लिए वो एक ऐसी प्रेरणा है जिनको देख के आप काम करना सीख सकते हो, जिनकी मेहनत देख के, जिनकी लगन देख के आप सीख सकते हो कि कैसे हर समय कोई काम के बारे में सोच सकता है और अपने काम में लगा हुआ है और हमेशा कुछ ना कुछ नया लेकर आना, कुछ ना कुछ नया सोचना, कुछ ना कुछ नया करना, ये बहुत ही इंस्पायरिंग बात है उनकी जो मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित करती है। अदिति जी, आपका स्वागत है आज कलमकारी के इस मंच पर और उनके नमस्ते। स्वागत के साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि वो इस समय अपनी एक यात्रा पे निकली हुई हैं, किताबों के साथ अपनी यात्रा कर रही हैं और कार में बैठ के वो आप सबसे बात कर रही हैं। कितनी मुश्किल से वो पिछले 2 दिन से ट्रेवल कर रही हैं और बहुत थकी हुई हैं, उनके आसपास कार में भी किताबें भरी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो समय निकाल कर इस मंच पे आई हैं और हम सबसे जुड़ी हैं। तो मैं अपना पहला सवाल यहीं से शुरू करती हूँ अदिति जी, कि आप मेरे जानकारी में हिंदी प्रकाशन जगत में मीरा मैम के बाद आप एक स्त्री प्रकाशक के रूप में अब हम सबके सामने हैं, तो क्या वो चुनौतियां होती हैं प्रकाशकों की दुनिया में जिसमें बहुत ज्यादा महिलाएं नहीं हैं, एक स्त्री के लिए क्या चुनौतियां होती हैं और उसको कैसे उन चुनौतियों से जूझना पड़ता है, उसके बारे में बताएं। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद मार्क माई बुक मनीष जी, साथ में अंकिता आपका। दरअसल मार्क माई बुक की शुरुआत कुछ सालों पहले जब हो रही थी तो द धारीवाल ब्रदर्स, द इंस्पायरिंग धारीवाल ब्रदर्स गॉट इन टच एंड उन्होंने सारी बातें बताई कि वो खुद कितने पढ़ने लिखने के शौकीन हैं और देयरफॉर कितना प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज यही होने वाला था उनके सामने कि जहाँ अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे कॉम्पिटिटर्स हों तो आप ई बुक ऑनलाइन बुक्स में आप कैसे कदम रखेंगे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि कुछ साल पहले जो सपोर्ट सिस्टम उन्होंने खुद के लिए इस इंडस्ट्री के साथ तैयार किया और जैसे हिंदी की अच्छी किताबें वो अब सबके पास पहुंचा रहे हैं प्रायोरिटी पे, क्योंकि आज कुछ सालों से ही भारतीय भाषाओं की किताबों के लिए एक अलग जगह इन बड़े ऑनलाइन बुक स्टोर्स पे बनी है। लेकिन बिल्कुल अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो ये किताबें ढूंढने पे भी वहाँ नहीं मिलती थी, बहुत मुश्किल था, डिस्कवरेबिलिटी बहुत मुश्किल थी हमारी किताबों की। तो वहाँ मार्क माई बुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर के आया जहाँ पर हिंदी की किताबों को प्रायोरिटी मिली, तो ये बहुत खुशी की बात थी। तो आज हम सब मिलके एक नया उत्सव शुरू कर रहे हैं, सो थैंक यू अंकिता फॉर अ वेरी जेनरस इंट्रोडक्शन। जहाँ तक मुझे लगता है कि एज अ पब्लिशर हु इज अ वुमन, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन इन पब्लिशिंग, क्योंकि मुझे याद है कि हमने अपने घर में अपनी दादी को एक प्रकाशक के रूप में देखा, क्योंकि दादाजी तो उन्होंने अपना अपनी जीवन लीला समापन की लेकिन वाणी की एक बड़ी लेगेसी सबके लिए छोड़ गए। तो हमारी दादी ने लेकिन सारी मुश्किलों का सामना करते हुए एक वाणी प्रकाशन को सुचारू रूप से और अपने बच्चों को एक मजबूत कामयाब प्रकाशक बनाने में पूरी शिक्षा दीक्षा उनको दी। अब आज ये बात सही है कि मीरा जी एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में हमारे सामने हैं और उन्होंने पूरा जीवन
वो भी मैनेजमेंट की पढ़ाई से किताबों में आई, और कैसे उन्होंने राजपालन सांस को पूरा रिवैम्प किया, ये भी एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे सामने। मुसीबतें परेशानियां तो सबके जीवन में होती हैं, ये तो मैं अपने जो मेल कोलीग्स हैं, जो हमारे भी पूर्वज हैं, जो मेल थे उनके, मतलब जो पुरुष हैं, वो उनकी उनकी चुनौतियां भी बहुत बहुत बड़े किस्म की होती हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जहाँ तक एक महिला की बात है, तो एक तो जो बायोलॉजिकल क्लॉक्स का समस्याएं हैं, उसके बाद आज भी कहीं ना कहीं द वुमन इज द नर्चरर, परिवार करेक्ट के साथ सबको साथ में लेना, सबको साथ में चलना, तो वो चीजें जाहिर है कि जैसे गाड़ी के चारों पहिए जब ठीक होंगे तभी गाड़ी चलेगी, और उसी तरीके से चाहे परिवार हो चाहे बिजनेस हो, सभी लोग सब साथ में ठीक से काम करेंगे तभी गाड़ी चलेगी। लेकिन सही कहीं बात ना है। कहीं मैं ये जानती हूँ कि फेमिनिज्म हमारे यहाँ बहुत ही एक कंटेस्टेड टर्मिनोलॉजी हो गई है, और कई परिभाषाएं फेमिनिज्म की ऐसी हैं जिनसे मैं वाकिफ हूँ, जिनसे मैं अपने आप को एसोसिएट कर सकती हूँ, और कई परिभाषाएं ऐसी हैं जो मुझे फेमिनिज्म लगती ही नहीं है। हाँ जाहिर है ये ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होगा, क्योंकि फेमिनिज्म का अपना एक दायरा है। तो जहां तक मैं एक पब्लिशर का दायरा समझती हूँ, तो सबसे पहले तो हमें अपने एंसेस्टर्स को, हमसे जो बड़ी हैं, महिलाएं जिन्होंने प्रकाशन क्षेत्र में बड़ा काम किया, उनको सबसे पहले हमें उनका अभिनंदन जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें पब्लिशरेस नहीं बनाया, उन्होंने हमें पब्लिशर बनाया। आज सही भी बात फिल्म है। इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया की एक्ट्रेस और एक्टर के झगड़े के बीच में आज भी पड़ी हैं। लेकिन जब हम बात लिरिसिस्ट या सॉन्ग राइटर या सिंगर की करते हैं, जब हम उस प्रकार के परफॉर्मिंग आर्ट की करते हैं, तो वहां पर जेंडर भेदभाव खत्म हो जाते हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं पब्लिशर की बात करूं, तो क्योंकि मैं पब्लिशरेस नहीं हूं, मैं पब्लिशर हूं, मैं प्रकाशिका नहीं हूं, प्रकाशक हूं, तो मुझे लगता है कि जहां पर पुरुष और औरत के बीच की ये द्वंद है, वहीं पर ही समाप्त हो जाते हैं। ये थोड़े से कठोर भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा भारतीय समाज अभी भी अधिकांश रूप से अपवाद ही है, जो जहाँ पर लड़कियों को पूरा पूरी स्वतंत्रता मिली है कि आप पढ़ें, हाँ अपना करियर बनाएं, पूरा सपोर्ट मिला है। और आप भी जानती हैं कि पहला स्कूल, पहला स्वतंत्रता से खेलने वाला, से खेलने देने वाला प्लेग्राउंड हमारा परिवार ही होता है। तो आज भी बहुत सी लड़कियां स्ट्रगल कर रही हैं, उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो अंकिता आप और मैं जानते हैं, जो हमें अपने परिवारों से जो सपोर्ट और समर्थन मिला है वो शायद उनको नहीं मिला। लेकिन क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है, और इस पूरे बदलते परिप्रेक्ष्य में लड़कियों के माता पिता खास तौर पर मुझे लगता है कि बहुत अवेयर हुए हैं, और उन्होंने बहुत खोल दिया है जमाना उनके लिए, और खुलकर जियो, खुलकर काम करो, अपना नाम बनाओ, अपने परिवार का भी नाम बनाओ। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है बिल्कुल कि ये बहुत अच्छा समय है। परेशानियां हैं अभी जो बलात्कार के केसेस हुए डॉटर्स डे के आसपास ही, आज भी रूह कांप जाती है। अभी तो हम निर्भया से उभरे भी नहीं थे, हाँ और एक और ऐसा केस हमारे सामने आया। लेकिन जो न्यायपालिका है, मुझे लगता है कि बिकॉज लॉ भी एक इवॉल्विंग साइंस है, ये एक पाषाण युग में धंसा हुआ कोई मील का पत्थर नहीं है, लॉ भी इवॉल्व करता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम ये मान सकते हैं कि जैसे इक्वल प्रॉपर्टी फॉर डॉटर्स का एक अधिवेशन निकला है, और उससे बहुत एम्पावरमेंट हुआ है लड़कियों का अपनी पैतृक सत्ता पे अपने हक जमाने के लिए, उसी तरीके से आने वाले समय में सेक्सुअलिटी को लेकर, जेंडर इक्वालिटी को लेकर भी बहुत सारी चीजें नहीं आएंगी, और हमें उसका बिल्कुल इंतजार करना है, बिल्कुल और उसके लिए रास्ता रास्ता प्रशस्त करना है। बिल्कुल। वो एक कहावत है ना कि पूत कपूत तो का धन संचय और पूत सपूत तो का धन संचय। तो ये कहावत जब लिखी
रही होगी हमारे टाइम में आज से 400-500 साल पहले अगर हम माने तो, उस समय शायद औरतों को उतनी छूट नहीं मिलती थी, उतना उनका उनका ऑरा उतना बड़ा नहीं था कि वो घर से बाहर निकल के सारे काम करती, जो हमने देखा। क्योंकि हमारे जो शास्त्र वगैरह हैं जो बताते हैं वेद पुराण, उसमें तो स्त्रियों को भी गुरुकुल भेजकर शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, जो हमने देखा सुना। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में जो हिस्ट्री हमारी है उसमें वैसा नहीं था। तो मुझे लगता है कि अब ये वो टाइम आ गया है जब हमें पुत्र का अर्थ सिर्फ पुत्र नहीं समझना चाहिए। अब पुत्रियां भी वो जिम्मेदारी निभा रही हैं कि अगर वो लायक हैं तो वो अपने परिवार का नाम आगे बढ़ाएंगी, अपने पिता की फिक्र कम करेंगी, और अगर वो लायक नहीं है तो पिता को फिक्र। जो कहावत है उसमें पूत का अर्थ अब शायद बदल जाना चाहिए। वो समय आ गया है जहाँ अदिति जैसे लोग हैं, जहाँ अवनी जैसे लोग हैं जो फर्स्ट फाइटर पायलट बनते हैं इंडिया में, और भी बहुत जी सारी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन करके इस स्टेटमेंट में पूत के स्थान पर खुद को स्थापित किया है, जो अपने उनके नाम की वजह से उनका परिवार जाना जाएगा, उनके पिता का नाम जाना जाएगा। तो वो चीज मुझे लगती है कि वो बदलाव का समय आ गया है। साथ में ये भी है अंकिता कि अगर हम अपने वेद वेद शिक्षा में जाएं तो ऋग्वेद जो सबसे पुराना वेद हमारे बीच है, जो कि मानव इतिहास का एक तरीके से सबसे पुराना दस्तावेज है, बिल्कुल ऋग्वेद में किसी भी प्रकार के कोई भी रिचुअल की बात कही नहीं गई है। हाँ ऋग्वेद में एग्जैक्टली तो ईश जो है, ऋग्वेद में जो ईशान ईशान उपनिषद में ईश की परिभाषा ही ये करी गई है कि ईश वो है जो अखंड है। अखंड क्या है? हाँ प्रकृति है। तो हमारी संस्कृति तो प्रकृति से जुड़ी हुई संस्कृति है। अब ऐसे में जब हम धर्म, जाति और उससे भी नीचे दबके के विभाजनों में चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली ये जो बेटा बेटी स्त्री पुरुष वाले विभाजन है, ये ये आप देखें, डिफरेंशिएशन आ जाता है। ये डिफरेंसिएशन आ जाता है। तो हमारी जो वेद विद्या है इतने हजारों साल पुरानी, वो तो मुझे लगता है ज्यादा प्रोग्रेसिव है। हृदय नारायण दीक्षित जी ये कहते हैं हाँ अपनी किताब में हाँ ज्ञान का ज्ञान में, कि हमें बहुत ध्यान रखना है कुछ भी आज के समय में, 21वीं शताब्दी में, ये समझते हुए कि कहीं वो पाषाण या प्राचीन तो नहीं है। इन दोनों शब्दों का मतलब लगभग एक जैसा है, लेकिन हाँ ये दोनों शब्द इतने इतने खतरनाक रूप से अलग-अलग हैं कि बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि आप प्राचीन से तो साथ प्राचीन के साथ तो आप चल सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो साइंटिफिक है, लेकिन पाषाण के साथ या पिछड़े के साथ मत रहिए क्योंकि वो हमारी संस्कृति है बिल्कुल ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी चीजें उस समय की ये भी समझ आती हैं, जैसे जैनिज्म में भी चार अनियोग हैं, प्रथमानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग, कर्णानियोग। तो जो चरणानियोग है वो पूरा उसमें साइंटिफिकली डिफाइन किया हुआ है सारी चीजें कि हम जो फॉलो करते हैं, मतलब उसमें सिर्फ ये बताया है कि हमारी जीवनचर्या क्या होनी चाहिए। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा कि स्त्री की चर्या क्या होनी चाहिए या पुरुष की चर्या क्या होनी चाहिए। उसमें सिर्फ ये लिखा है कि एक मनुष्य की जीवनचर्या क्या होनी चाहिए, उसको किस तरह से जी जीना चाहिए। तो जी ये जी चीजें वाकई समझने की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो पहले लिखा, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे पुराण हैं, जो हमारे अनुयोग हैं, वो सब वाकई डिफ्रेंशिएशन करते भी थे या नहीं, या हमें सिर्फ कालांतर में ये हमारे सामने आता गया कि नहीं, ये हमें बताया गया जानबूझकर कि वो डिफ्रेंशिएशन था पर वो नहीं नहीं, था। वो सोसाइटी के कन्वीनियंस के हिसाब से ना, जैसे हर हाँ हर शब्द का युगों के साथ बदलता हुआ अर्थ होता है, तो वो उसकी बिल्कुल एपिस्टेमोलॉजी बदल जाती है, उसको समझने की ओंटोलॉजी बदल, ये मतलब ये सिंपल सिमियोटिक्स के बिल्कुल रूल्स हैं। तो उसमें बिल्कुल बहुत डिटेल में ना जाते हुए हम तो कहीं और ही पहुंच जाएंगे हम दोनों बात हाँ करते हुए इस बारे में, सही बात है। मैं लेकिन अपना अगला बहुत सवाल साल खंड पूछती हूँ गए। यहाँ पे आपसे। जी। मेरा अगला सवाल है कि आपके पास बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट आती हैं, बहुत सारी पांडुलिपि आती हैं जिसमें स्त्री लेखक भी होती हैं, पुरुष लेखक भी होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के लेखक होते हैं। तो क्या वो पांडुलिपि चुनते समय आप कभी ऐसा सोचती हैं कि मुझे स्त्री लेखकों को प्रेफर करना चाहिए और उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, या आपका टारगेट सिर्फ पांडुलिपि होता है, उसमें कोई वो नहीं होता? पांडुलिपियों का तो अवलोकन हमेशा ब्लाइंड रिव्यूज के तरीके से होना चाहिए। साइंटिफिक तरीका तो यही है, क्योंकि मैं उस स्कूल ऑफ थॉट से हूँ जहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि
किताब सिर्फ शब्दों के साथ रहे और शब्दों से अपनी सच्चाई बनाए रखे तो वो किताब कामयाब है। कहीं ना कहीं ये बात भी लेकिन सामने आती है कि स्त्री विमर्श में जिस तरह की आत्मकथाओं ने एक परिपेक्ष दिया पूरे स्त्री विमर्शीय कालखंड को, उसको जब हम फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव की बात करते हैं, तो ये पूरे के पूरे इन आत्मकथाओं के जरिए ही डिफाइन हो पाए। और आज जिन आजादियों को हम अपना हक मानते हैं उसके लिए कितनों ने संघर्ष किया और उसे हमारा हक बनाया, हम वो समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि आत्मकथाओं की अगर बात है तो वहां पर यस माई हार्ट मेल्ट्स एंड आई एम सिंसियरली बायस्ड टुवर्ड्स माई फोक्स, टुवर्ड्स माई काइंड ऑफ राइटर्स, जिसमें जहाँ पर औरतें अपनी बात इतनी मजबूती से सामने रख रही हैं और उनका एक पूरा जिया हुआ जीवन दिख रहा है उसमें, और वो हर उस जिए हुए जीवन को अधिकार है प्रकाशित होकर दुनिया के सामने आने का, जो सच्चा है, जिसमें संघर्ष है, जिसमें प्रेरणा है सबके लिए। तो ये तो एक मुद्दा हुआ, लेकिन मैनुस्क्रिप्ट आने के बाद अगर मैं पहला मापदंड ये रखूं कि वो पुरुष की है या स्त्री की है, तो मेरे ख्याल से वो उस किताब के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, और ये मेरी एडिटोरियल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। ये बिल्कुल बिल्कुल, आपने किताबों की बात की तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि एक बार आपने कहीं जिक्र किया था कि आपका आपका मतलब आपका जन्म, आपकी आंख खुलते ही आपने जो सबसे पहले देखा होगा वो किताबें ही रही होंगी, क्योंकि आप उस माहौल में पली बड़ी हैं जहां आपके चारों तरफ किताबें ही किताबें रही हैं। और मुझे याद है वाणी प्रकाशन के दफ्तर में मैं पहली बार इस तरह से किसी प्रकाशक के दफ्तर में पूरा मैंने देखा था ऊपर से नीचे तक। राजपाल के दफ्तर में मैं गई थी लेकिन वो सेक्शन अलग था जहाँ बुक्स वगैरह रहती हैं, तो वो मैं देख नहीं पाई थी। लेकिन वाणी के दफ्तर में जब मैं एंट्रेंस से बिल्कुल ऊपर सीढ़ियों तक होकर जाती हूँ तो वहां सीढ़ियों पर भी किताबें जमी हुई हैं, हर जगह किताबें ही किताबें नजर आती हैं। तो मतलब आप तो आपका तो जीवन ही किताबों के बीच बीता है, तो आपने कभी महसूस किया कि उस समय से लेकर आज तक स्त्री लेखन में, क्योंकि स्त्री के लेखन को आज भी ये हाल है, मैं देखती हूँ कि लोग ये कह देते हैं कि ये तो सिर्फ अपना ही रोना गाती रहती हैं, अपनी समस्याओं के बारे में लिखती रहती हैं, वो चीज इनकी कभी खत्म ही नहीं हो रही है कि ये अपनी समस्याओं से उभर कर बाहर आए, तो आपने वो महसूस किया कि वो फर्क आया हो, स्त्रियों ने नए विषय उठाए हो, कुछ अलग मुद्दे उठाए हो, कुछ ऐसी चीजें लिखी हो जो जिसको पुरुष वर्ग अपने टक्कर का मान सके, वो फील आपने किया कि वो बदलाव आया इन 30-32 सालों में? बदलाव इन 30-32 सालों में अंकिता इस बात का आया कि हम ये पॉइंट क्लियर कर पाए किताबों के जरिए कि जब एक महिला अपनी परेशानियों के बारे में लिखती है तो वो किसी पुरुष को टक्कर देने के लिए नहीं लिखती, वो सिर्फ अपनी परेशानियों के बारे में लिख रही है। तो जहां तक किताबों के एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की बात है, जब तक किताबों के रचनाओं की और या फिर किताबों के एक कालखंड की एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की बात है, तो वो प्रतिस्पर्धा कुल मिलाकर कॉन्टेक्स्ट और टेक्स्ट पर हो, उस प्रतिस्पर्धा का आधार जेंडर नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की किताबें हमने प्रकाशित की या करने जा रहे हैं, ये पॉइंट और ज्यादा बिना कहे उन किताबों से क्लियर होता जा रहा है कि आप जिस बाजार में उतर रहे हैं उस बाजार में सबकी कही जाना और सबका सुना जाना बहुत जरूरी है। तो अगर प्रतिस्पर्धा इस बात की हो कि किसकी किताब कितनी ज्यादा बिकी, तो वो एक कमर्शियल प्रतिस्पर्धा है, उसमें मापदंड मार्केटिंग और सेल्स के फंडों का होगा। अगर प्रतिस्पर्धा इस बात की हो कि किस किताब ने समाज में कितना बड़ा बदलाव लाया, तो वो फिर मापदंड होगा, वो उसका आधार होगा कि कौन किस चुनौती से लड़ रहा है। अगर हम बाल विवाह की चुनौती से लड़ते हुए एक उपन्यास की या एक दलित लेखक की आत्मकथा को प्रकाशित कर रहे हैं जो अपने परिवार में नहीं, कुटुंब में नहीं, पूरे गांव में पहला ग्रेजुएट है और जो शहर में एक बड़े सपने के साथ आया है, तो उसका उसकी प्रतिस्पर्धा एक बाल विवाह या बाल विधवा
जो कि बड़ी होकर अपना अपना रास्ता प्रशस्त करती है और अपने लिए नया जीवन चुनती है, वो प्रतिस्पर्धा है ही नहीं। समाज के हाशिए पर दोनों हैं, लेकिन दोनों की चुनौतियां बहुत अलग तरह से अपने आप को सामने रखती हैं। तो प्रतिस्पर्धा दरअसल फिर है किस चीज की? मुझे अच्छा लगता है जब बेस्ट सेलर्स इत्यादि की बात होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मापदंड है कि जिसके जरिए हम अपनी प्रतिस्पर्धा को कमर्शियल रास्ते की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर प्रकाशन क्षेत्र का विस्तार है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि हमें प्रकाशन जगत से प्रकाशन उद्योग बनना है। आज भी बिल्कुल ये कुटीर उद्योग की तरह ट्रीट किया जाने वाला पब्लिशिंग एक प्रोफेशन है, तो इसे हमें जरूर बदलना है। और इसके लिए जो कुछ भी करना हो, प्रतिस्पर्धाएं कितनी ही ऑब्जेक्टिव की जानी हो, मतलब उसमें कम सब्जेक्टिविटी, कम पर्सनल अटैक्स और ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी, ज्यादा हेल्दी कंपटीशन हो, तो फिर हम मुझे लगता है कि हम फिर ग्लोबल स्टेज पे जाकर उस प्रतिस्पर्धा से लड़ सकते हैं जो कि असली प्रतिस्पर्धा है, मेरी मेरी नजर। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा की अगर बात की जाए तो प्रतिस्पर्धा की तरह नहीं, लेकिन मैं एक सामान्य लेखक की तरह ये बात पूछना चाहूंगी कि जो कंटेंट स्त्रियों की तरफ से आपके पास आ रहा है इस समय में, पिछले 5-10 साल में, जब उन्होंने नए नए मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिया है, समसामयिक विषयों पर लिखना शुरू कर दिया है, तो आप उस कंटेंट से खुश होती हैं या आपको और भी उम्मीदें हैं? आपकी और क्या उम्मीदें हैं कि वो और क्या लेकर आए आपके पास? देखिए, बड़ी अजीब कहानियां हैं और मुझे लगता है कि ये एक कहानी आज मैं शाया कर ही देती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत अनोखा मौका भी है कि किताब का कवर भी सबके सामने आने वाला है। अंकिता की नई बिल्कुल बिल्कुल किताब, जो इसको बहुत प्यार से वाणी पृथ्वी के बैनर में वाणी प्रकाशन ग्रुप प्रस्तुत कर रहा है। अंकिता, आपको भी याद है कि मैं साहित्य आज तक में आपसे 2 साल पहले मिली थी और हमने जी यूं ही जी चलते चलते हाथ मिलाया था। जी 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 और आम तौर पर हमारी उम्र की लड़कियां बड़ा हाथों के मुलायम होने पे बड़ा ध्यान देती हैं। हाँ हम वो जनरेशन है जिन्होंने अपनी माँ की जनरेशन से कुछ अलग हैंड क्रीम और फेस क्रीम को अलग-अलग देखा है। बिल्कुल जब मैंने आपसे हाथ मिलाया और वो हाथ इतना खुरदरा पाया मैंने, मुझे लगा कि कुछ तो कहानी है यहाँ पर। इतना खुरदुरा हाथ एक पढ़ी लिखी लड़की का, जो कि एक समृद्ध परिवार में ब्याही है, इतना खुरदुरा हाथ कैसे हो सकता है? फिर मैंने माँ से माँ तक तो मैंने आपकी पढ़ी थी, लेकिन फिर मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया सोशल मीडिया पे, समझना शुरू किया कि आप ऐसा कैसा जीवन जीती हैं कि आपका कि आपके हाथ क्या क्या करते हैं कि वो बिल्कुल इस स्किन टेक्सचर के हैं। मुझे वहां से पता चला कि आप तो किसान हैं और आप एमटेक वाली किसान हैं। और फिर पतिदेव के बारे में पता चला तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये इंटरनेशनली पढ़े हुए कपल और डिग्री हासिल किए हुए कपल, समर्थ जैन और अंकिता जैन, सब कुछ छोड़ छाड़ के, बड़े बड़े जॉब्स को, कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के किसान बन गए हैं। तो मुझे लगा कि यहाँ तो एक बहुत जबरदस्त कहानी है और इस कहानी को सबको सुनना चाहिए। और ए किसान जब किताब हमने और आपने डिस्कस करनी शुरू की, तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, क्योंकि आज तक किसान के नाम पर चाहे कोई पोस्टर हो, चाहे कोई स्टडी हो, या कोई किसी भी प्रकार का कोई प्रचार हो, किसान का चेहरा हमेशा पुरुष का रहा है। महिला बिल्कुल किसान कभी फोरफ्रंट पे आई ही नहीं, और जबकि हम सब जानते हैं कि महिलाओं का कितना बड़ा योगदान, अमर्त्य सेन, डॉक्टर बहुत अमर्त्य बड़ा सेन की इतनी बड़ी स्टडी है इस पूरे कॉन्सेप्ट पे, कि जिसको वो एक बहुत ही जो झकझोर देने वाला शब्द इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव प्रोडक्टिविटी का। तो जब एक आधी आबादी को उस टर्म के साथ एसोसिएट करा जाता है, और वो इस बात को हाईलाइट करना चाहते हैं प्रोफेसर सेन की किस तरह से शी इज द प्राइमरी सपोर्ट गिवर, लेकिन जब हम जीडीपी और कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं या फिर एग्रेरियन इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो प्राइमरी से सेकेंडरी से भी नीचे चली जाती है। तो उनकी बिल्कुल पूरी बिल्कुल आउटपुट जो है वो पूरी नेगेटिविटी की तरफ चली जाती है।
तो ये एक कॉन्सेप्ट मेरे, ये हमेशा से मेरे जहन में था कि बहुत दुखद है, लेकिन मुझे लगता था कि हिंदी में किसानी पर कैसे कुछ प्रकाशित हो सकता है, कैसे हम फर्स्ट हैंड नैरेटिव ला सकते हैं। और फिर जब आप मिली, किसान खेत पे इतने सारे किसान हैं और आप दोनों ही काम, और अब वैदिक वाटिका जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट है, जिसके जरिए आप कितनी सारी अंडर प्रिविलेज महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं उनके रोजगार बिल्कुल, के लिए। अभी हमारे यहाँ आपने इनफेक्ट सैनिटाइजर बनाया। हमारे खेत में भी जो महिलाएं काम करती हैं वो भी मतलब प्रेफरेंस हमारा यही रहता है समर्थ का कि वो महिलाएं हो और का काम करती हैं, और उनका ज्ञान अलग तरीके का होता है। जो आप यकीन नहीं करेंगी, हमारे यहाँ एक महिला आती है जो खेती का काम करती है, वो अच्छे खासे परिवार से है, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो उससे है। उनकी कहानी अपन ने किताब में भी ली है, और जी अच्छा, वो उनका बेटा एमटेक कर रहा है, छोटा बेटा भी उनको अच्छी खासी पढ़ाई कर रहा है, उनके जो हस्बैंड है अच्छा वो टीचर है, उनकी अपनी खुद की छोटी सी खेती है। तो मैं बहुत जी आश्चर्य से भर गई थी जब मैंने उनसे पूछा कि आपने अपने काम के रूप में इस खेती को क्यों चुना, वो भी आप हमारे यहाँ आके दिन भर खेतों में काम कर रही है, तो आपने इसको क्यों चुना। तो उन्होंने बहुत अच्छा सा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि लोग अपने शौक को अपने काम के रूप में चुनते हैं, मेरा शौक खेती था, मैंने बचपन से खेती की, अपने मायके में खेती की, अपने ससुराल में खेती की, तो मैं अपने कमाने का जरिया खेती को क्यों ना बनाऊं। यहाँ आके मैं ठीक कुछ है, नया ही सीख रही हूँ, मैं बहुत ऑर्गेनिक बढ़िया। फार्मिंग सीख रही हूँ, मैं जैविक खेती सीख रही हूँ, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा परिवार कितना समर्थ है या मेरे परिवार में कितना पैसा है। मेरे को खेती करना अच्छा लगता है, उसके लिए मैं खेती का काम कर रही हूँ। तो उस मेंटालिटी ने मुझे बहुत बदला, मुझे ये समझाया कि जैसे जनरली लोग कहते हैं ना कि खेतों में मतलब उनकी इमेज जो बना दी जाती है वो गरीब की, मजदूर की बना दी जाती है, कि वो पढ़े लिखे नहीं होंगे शायद इसीलिए खेती कर रहे हैं, उनके जी। पास उतनी उतना नॉलेज नहीं होगी इसीलिए वो खेती कर रहे हैं, औरतों के मामले में उनके पास नॉलेज नहीं होगी इसलिए वो मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन उस महिला के जो स्टेटमेंट थे उसने काफी कुछ ये क्लियर किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना आप कितने साक्षर हैं, आज के समय में कहें तो शिक्षित नहीं, आप कितने साक्षर हैं, आपका जो शौक है वो खेती ही क्यों ना हो, आपको अपने काम के रूप में उसे चुनना चाहिए। ये बहुत जी अच्छी जी चीज है और इसको हमने किताब में भी लिया है। जी जी तो ये, आई एम सॉरी, थोड़ी सी मैं डिस्ट्रैक्टेड थी क्योंकि ये लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है, तो मैंने फोन पे लॉग इन कर लिया है, जस्ट इन अच्छा केस अच्छा यहाँ से बंद हो जाए तो मैं तुरंत वहां से कनेक्ट हो जाऊंगी। ठीक है ये ठीक बात है बिल्कुल सही है कि अगर हम चुनाव या चॉइस की बात करें, जो आपने जिस जो हमारी किताब में भी ये पूरा किस्सा है, तो ये चॉइस भी कितने लोगों के पास है, वो भी एक प्रिविलेज ही है ना। वो बिल्कुल, उसको आसानी से ऐसे समझने का चुनाव कितने ज्ञान कितने लोगों के पास है कि लोगों वो के उस पास चीज है। को क्लियर कर पा रहे हैं, अपनी अपनी पसंद को उस लेवल पर जाकर क्लियर कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मुझे लगता है कि ये किताब कई मायनों में हिंदी पाठकों के बीच में अपनी जगह नए रूप से बनाएगी, क्योंकि अंकिता, हमने बहुत सारे प्रकार के स्त्री विमर्शों को देखा, सुना, समझा है, और सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब बारी है उस खेत से, उस स्त्री विमर्श को समझने की, कि वो खेत से जो स्त्री विमर्श उभर रहा है और वो कैसे परिवार को, पूरे देश को अन्न दे रहा है, उसका क्या रूप है। और इस किताब में मैं जानती हूँ कि समर्थ ने अपना नाम बहुत पीछे रखा है, लेकिन समर्थ जी का इतना बड़ा योगदान है इसमें कि फिर अल्टीमेटली बात से इतनी है कि पूरक हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल हम बिल्कुल आगे चलते रहने में ठीक है, ये हो सकता है, कोई कोई बुराई नहीं है अगर आप अकेले चलने चाहें। रविंद्रनाथ टैगोर हमें एकला चलो रे का नारा दे ही गए हैं, हम चल सकते हैं, लेकिन अगर साथ चलेंगे तो ज्यादा अच्छा सफर होगा। ये बात ये किताब बिल्कुल बिल्कुल तरह से पुष्टि करती बिल्कुल, उनके ज्ञान के बिना तो ये किताब लिखी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मौके पे मैं हम तो किताब का कवर सब पाठकों को। हाँ, हम दिखा देते हैं पाठकों को किताब का कवर, अब ये सही समय है। पूछ भी रहे हैं सब लोग। हाँ, तो थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी बैकग्राउंड के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मेरे ख्याल में यह विजिबल है आपको। जी बिल्कुल। तो अब जोरदार तालियों, सीटियों, ढोल नगाड़ों के साथ और एक कान का कवर हम सभी हमारे सभी पाठकों के समक्ष उपस्थित है। वाणी पृथ्वी की नई पेशकश, अंकिता जैन की नई किताब और एक किसान आप सभी के बीच आज शाम तक ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगी। ये मैंने हाँ अपना बिल्कुल प्रकाशकीय धर्म कर्तव्य निभाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम वो जस्टिफाई कर पाएंगे इस किताब के थ्रू, जो जिस उद्देश्य के साथ हम ये किताब लेकर आए हैं, कि लोग ये बात समझ पाए कि किसान की जो समस्याएं आज हमारे सामने हैं, पहले किसान क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, आज हमारे सामने किसान क्या है और उसकी जो समस्याएं हैं वो सिर्फ पैसे से खत्म नहीं हो सकती, उसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पर जाकर उनकी चलिए तो मैं इसको अपनी फिलहाल आवाज ऑफ आपको करती बता हूँ रही हूँ। जी, बिल्कुल और वापस स्क्रीन में आती हूँ। बिल्कुल बता रहे हैं। ये ग्रीन बैकग्राउंड के लिए, किताब के कवर के लिए ग्रीन बैकग्राउंड हमने तैयार किया था। अच्छा हाँ तो अब आपसे मैं अगला सवाल पूछती हूँ। एक सवाल हमको लाइव में भी आया है, वो भी मैं देख लेती हूँ। जी हाँ, एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल पूछा था कल, आज सुबह जब मैंने पोस्ट की थी तो लिखा था कि आपके कुछ सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। तो उन्होंने अपना जी सवाल भेजा था कि आज के समाज में जो जो सिचुएशन हमारे सामने आ रही है, हर दूसरे दिन एक ब्रूटल रेप केस हमारे सामने होता है, एक भयंकर सी घटना हम सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये घटनाएं की जा रही हैं, हो रही हैं वो तो अलग है, बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, 10-11 साल के बच्चों के आरोपी होने की खबर हम सुनते हैं। तो इस समय में आपको क्या लगता है कि स्त्री होना, उसने जो पूछा सवाल, उसने ये पूछा कि आज के समाज में स्त्री होना अभिशाप है या वरदान, आपको क्या लगता है आज के समाज में? स्त्री का आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। जी, तो मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने मैंने दूसरे अपने दूसरे डिवाइस से डिवाइस लॉग से इन लॉग कर इन लिया कर है, लिया है। अगर अगर वो वो मुझे मुझे वहां वहां से से एंटर एंटर कर कर दे दे और और यहां यहां से से मुझे मुझे इस इस वाले वाले डिवाइस डिवाइस से मैं एंटर कर देती हूँ तो थोड़ी सी शायद आसानी हो। जी, आपका दोबारा स्वागत है। आप सुन पा रही हैं?
अदिति जी, क्योंकि ट्रैवल कर रही हैं और लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई है, इसलिए शायद थोड़ा सा कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रहा है, लेकिन वो फिर से ऐड हो गई हैं और फिर से जुड़ गई हैं। आपको आवाज़ आ रही है अदिति? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा डिवाइसेस के बैटरीज की वजह से, कोई बात नहीं, अगर कोई बात नहीं। आप अपना आखिरी सवाल दोहरा दें। हाँ, हमारा आखिरी सवाल यही था कि ये एक रीडर का सवाल था। उन्होंने पूछा कि जो सिचुएशन आज हमारे सामने है, ब्रूटल रेप केसेस आ रहे हैं, उसमें जिन बच्चियों के साथ हो रहे हैं वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो आरोपी हो रहे हैं, जो क्रिमिनल की कैटेगरी में आने वाले आरोपी हो रहे हैं, उनकी उम्र भी बहुत कम पाई जा रही है। कई बार ऐसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज के समाज में स्त्री होना एक अभिशाप है या वरदान? आज के समाज में या किसी भी समाज में, किसी भी युग में स्त्री होना तो कभी भी आसान नहीं था, क्योंकि जब पूर्ण रूप से एक सिविलाइजेशन अपनी अपनी अपना गौरव और अपना मान सम्मान एक स्त्री से ही जोड़ दे, तो आप जानते हैं कि वो स्त्री की जगह समाज में कितनी ज्यादा डेलिकेट और कितनी ज्यादा प्रिकेरियस हो जाती है। वो एक बहुत ही बिल्कुल सूक्ष्म धरातल पे आके रुक जाती है, क्योंकि जब सब कुछ ही आप ही से शुरू होना है और आप ही पर आकर संपन्न होना है, तो ये बहुत अगर आइडियली आप सोचें, आइडियलिस्टिकली सोचें, तो ये बहुत बहुत ही खूबसूरत बात है। जिस स्त्री को माँ के रूप में जैसे हम पूजते हैं हमारे समाज में, तो ये उस रूप वाली बात है। लेकिन ये एक, जैसे मैंने कहा कि वैदिक शिक्षा से निचुड़ते हुए जो आज हमारे सामने जिस प्रकार की धार्मिक शिक्षा है, इतने फ्लॉज हैं, उन फ्लॉज का उनका नुकसान स्त्रियों का हुआ इस पूरे निचुड़न की वजह से। आपके साथ वरदान या अभिशाप, वरदान तो एक होना, एक जीवन साथी होना, एक स्त्री होना तो हर युग में रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में ये सुनवाई है हमारी। आज के समय में हमारे पास ऐसी न्याय प्रणाली है, हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, हमारे पास ऐसा समाज है जो अन्याय को अन्याय मानने के लिए तैयार है। अगर कहीं हम मनुस्मृति में पीछे जाएं, तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं स्त्रियों को एक ऐसा प्राणी मान लिया गया है जिन्हें सर्वथा प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिन्हें सर्वथा किसी ना किसी प्रकार के आश्रय की जरूरत है। आज इस युग में कम से कम हम इतना बदलाव तो देख पा रहे हैं कि ये नैरेटिव बदल चुका है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि स्त्री होना हर युग में बहुत बड़ा गर्व है, बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ा वरदान है। आज का समय फिर भी मैं बेहतर मानूंगी, क्योंकि आज सुनवाई है, आज गलत के खिलाफ न्यायपाल अदिति जी शायद फिर से डिस्कनेक्ट हो गई हैं। इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, वो क्योंकि ट्रैवल कर रही हैं इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है, पर कोई बात नहीं, हम वेट करते हैं, वो वापस जुड़ेंगी जल्दी ही हमसे। इसी, आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो आप लोग बेशक पूछ सकते हैं, यहाँ मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आज के सेशन के अलावा कलमकारी से आप लोग जुड़ जाएं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, हर रोज अगले आज को मिला के अगले 9 दिन तक आपको अलग अलग महिलाओं से बात करने का मौका मिलेगा, उन लोगों से जिन्होंने कुछ ना कुछ हासिल किया है अपने जीवन में। इसके साथ ही शाम को 7:30 बजे से आशुतोष जी भी
माँ के 9 रूपों की चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से रूप होते हैं। तो कलमकारी से जुड़ना आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा, जितना जितना अच्छा हो आप जुड़े हैं और आपकी जानकारी बढ़ेगी। मैं चेक करती हूँ कि अदिति जी का कनेक्शन। कनेक्टेड, सॉरी, मैं आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं ओके, कुछ ऐसे कोई बात इंटीरियर इलाकों से नहीं। निकल रही हूँ कि नेटवर्क चला जाता है बीच बीच में। हाँ, जैसे आप देख सकती हैं कि गाड़ी में सिर्फ किताबें ही किताबें। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां किताबें पहुंचाना लेकिन जरूरी है, वही कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई बात नहीं। तो हमारा बता तो समय रही भी हूँ लगभग हो रहा है, तो मैं वो आपसे ना। दो सवाल और पूछ लेती हूँ, छोटे छोटे से। एक तो ये है कि आप आज के समय में आपके हिसाब से स्त्री विमर्श के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो अभी भी, जिन्हें आप अछूता मानती हैं और जिन पर अभी भी बहुत सारा लिखे जाने की जरूरत है और स्त्री लेखकों को लिखना चाहिए? अंकिता, थोड़ा सा मिस हो गया है। स्त्री विमर्श के ऐसे कौन से मुद्दे? हाँ, स्त्री विमर्श के ऐसे कौन से हाँ, मुद्दे हैं जिनको आप, जिन्हें, जिनके बारे में आपको लगता है कि वो अभी भी अछूते हैं और उन पर स्त्री लेखकों को लिखना चाहिए, जिन पर अभी बहुत सारा लिखे जाने की गुंजाइश बाकी है? हेलो, आई एम सो जी, सॉरी, सो कोई बात नहीं, सॉरी। आवाज आ रही है आपको? जब हम, मेरी आवाज भी पहुंच रही है आप तक? हाँ, आपको सवाल समझ आ गया? मेरे मुझे सवाल समझ आया, और मुझे बहुत क्षमा कीजिए कि मैं ऐसे इलाकों से गुजर रही हूँ कि नेटवर्क आ जा रहा है, लेकिन अब हमने गाड़ी रुकवा ली है। तो स्त्री ठीक है, संघर्ष की अगर जब हम बात करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आज न्यायपालिका में थ्योरेटिकली तो हम सब एक साथ खड़े हैं, लेकिन हम जब न्याय की गुहार लगाते हैं, तो जिस तरीके से समाज इस पूरी प्रक्रिया की तरफ अपना पहला वर्डिक्ट दे देता है, वो कहीं ना कहीं बहुत हताश करता है, कई बार बहुत हताश करता है। क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि जब किसी का बलात्कार होता है, किसी लड़की का बलात्कार होता है, किसी महिला का बलात्कार होता है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है कि उसने कपड़े क्या पहने। करेक्ट। कोई ये क्यों नहीं पूछता कि वो लड़का कहाँ था, वो लड़का क्यों इतने वैशी दिमाग का था या वैशी आत्मा का था कि उस क्या उसके घर में कोई महिलाएं नहीं है ही नहीं। तो ये सवाल जिस दिन पूछना समाज बंद कर देगा कि उसने पहना क्या था, रात के कितने बजे थे, क्या अकेली गई थी, क्यों गई थी, जिस दिन समाज ये पूछना बंद कर देगा, मुझे लगता है कि स्त्री विमर्श की आधी जो हमारा संघर्ष है, जो पूरी आधी आबादी का संघर्ष है, उस दिन शायद हम ये मान लेंगे कि हम कुछ इस संघर्ष से हल्के हुए। फिर लड़ाई असल में एक धरातल पर लड़ी जाएगी, लेकिन सबसे पहले बिल्कुल, जब, क्योंकि ये सवाल चिन्हित करते हैं उस मानसिकता को जो ये मान चुकी है कि स्त्रियों को तो हर प्रकार से आश्रय, हर प्रकार से प्रोटेक्शन की जरूरत है, और वो उनको इसलिए जिस
जितनी सड़क आधी आबादी के उस तरफ की, उतनी सड़क आधी आबादी के इस तरफ की तो है ही नहीं। तो जब जिस दिन ये सड़क दोनों आबादियों की एक साथ हो जाएगी, उस दिन हम मान लेंगे कि स्त्री विमर्श अब अपनी बात मजबूती से रखे और उसकी अब सुनवाई होगी। तब तक हम ये मान रहे हैं कि सुनवाई थ्योरेटिकली तो हो रही है, लेकिन असल में अगर हम देखें तो वो थ्योरी और असलियत से बहुत दूर है। जी, इसमें मेरा सवाल ये एडिट था कि ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको जिनके बारे में आपको लगता है कि वो अभी भी अछूते हैं? स्त्री विमर्श के ऐसे कौन से मुद्दे हैं और उन पर आप चाहती हैं कि स्त्री लेखक लिखें अभी, और जिन पर लिखने की गुंजाइश है? मुझे ऐसे लगता है अंकिता कि सबसे बड़ा अगला सवाल जो आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें हिंदी में बहुत जल्दी काम होना चाहिए, वो है जेंडर फ्लूइडिटी। क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी अगर हम LGBTQ कम्युनिटी की बात करते हैं तो वहां पर हम कहीं ना कहीं हिजड़ों या ट्रांससेक्सुअल्स पे आके रुक जाते हैं। आज भी हिंदी करेक्ट, में लेस्बियन नैरेटिव्स इतने कम हैं, जबकि वो एक जी हुई सच्चाई है बहुत औरतों की। तो हमें बिल्कुल, उसके बारे में बात बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, मुझे ऐसे लगता है कि मेडिकल हेल्थ, क्लिनिकल हेल्थ औरतों की, उसके बारे में किताबों का और साहित्य का बहुत अभाव है। माँ से माँ तक में आपने इतनी डिटेल में सारे हार्मोनल चेंजेस को बताया और उसको असल जीवन से जोड़ा। ऐसी कुछ किताबें पिछले कुछ सालों में देखी गई, लेकिन हमें बाढ़ चाहिए इन किताबों की, करेक्ट, जहाँ पे अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छी न्यूट्रिशोलॉजिस्ट, अच्छी साइकोलॉजिस्ट, स्त्री मनोविज्ञान, स्त्री स्वास्थ्य और हर तरह के एक आयाम को छुए जो एक औरत के आम जीवन से संबद्ध है। तो इस बिल्कुल, साहित्य की भी बहुत जरूरत है। तीसरा साहित्य जो हमें चाहिए वो है लीगल राइट्स के ऊपर। बहुत कम किताबें हैं जो महिलाओं के लीगल राइट्स के बारे में निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखती हैं। उन किताबों आम की भी भाषा में। खोज आम भाषा में, बिल्कुल उनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और चौथी जो बड़ी किताबें हमें चाहिए महिलाओं के लिए जो कि ऐसे मुद्दों को छुए, वो है हायर एजुकेशन की करेक्ट, पॉसिबिलिटीज। आज शहरों में समृद्ध परिवारों से संबद्ध हम हैं और हमें कहीं ना कहीं शिक्षा और करियर्स एक वरदान के रूप में मिले हैं। हमने उसके लिए, सच कहूं तो, बहुत संघर्ष नहीं किया। जो आज भी गांव में या छोटे शहरों में लड़कियां जो संघर्ष कर रही हैं, आप मैं सच में उस संघर्ष से नहीं गुजरे हैं। तो उच्च शिक्षा के बारे में हमें बहुत गंभीरता से फिर से लड़कियों के बारे में सोचना होगा, उनके संबद्ध सोचना होगा और उसके बिल्कुल, उस उसे कहीं ना कहीं समृद्ध करता हुआ, उसे कहीं ना कहीं बढ़ावा देता हुआ साहित्य भी आना चाहिए, उसको लिखा जाना चाहिए, उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात, इतिहास। अंकिता, सोच के बताइए उन 10 महिला इतिहासकारों के बारे में जो हिंदी में लिखती हैं, क्या हमारे पास ऐसे नाम ये हैं? बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इतिहास हिंदी में लिखे जाने के बारे में और हिंदी में पढ़े जाने के बारे में ही मेंटालिटी नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि हिंदी में लिखा गया इतिहास उतना रिलायबल ही नहीं होगा कि जिसको पढ़ा जा सके। तो सोचिए कि ये उसकी वाकई मैंने फेमिनिस्ट, सुने हैं ये स्टेटमेंट्स। जी, तो इतिहास का फेमिनिस्ट क्रिटिक, एक इतना इतना व्यवस्थित एकेडमिक काम है जो कि यूरोप में और अफ्रीकन स्टडीज में बहुत जोर शोर से किया जा रहा है इस समय। और इतिहास का स्त्री विमर्शीय आलोचनात्मक पुनर्पाठ, अगर मैं कहूँ, तो ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक इतिहास उस दूसरी आधी आबादी के नजरिए से नहीं देखा, पढ़ा, सुना, लिखा जाएगा, तब तक वो नए आयाम और नए दृष्टिकोण को लेके हमारे सामने नहीं आ पाएगा। तो इतिहास बिल्कुल, और इकोनॉमिक्स दोनों को, अर्थशास्त्र को भी, मैं तो कहती हूँ कि चाणक्य के अर्थशास्त्र की भी स्त्री विमर्शीय टिप्पणी या उस पर स्त्री विमर्शिक आलोचना प्रबंध करा जाना चाहिए। क्योंकि
चाणक्य के अर्थशास्त्र में सिर्फ राजा ही तो सब कुछ कर रहा है। माइकेवेली ने भी तो प्रिंस ही किया, माइकेवेली ने तो प्रिंसेस पर काम नहीं किया। करेक्ट, चाणक्य ने सिर्फ किंग एंड सिर्फ राजन और राजन के उत्तराधिकारी पे काम किया, जो कि राजकुमार है। राजकुमारियां कहाँ बिल्कुल थी? तो हमें उन राजकुमारियों बिल्कुल। को भी ढूंढना है जिन्होंने राजा की प्रजा का उतना ही ख्याल रखा जितना एक अच्छा राजा अपनी प्रजा का रखता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन लोगों को दे दिए जो ये सुन रहे होंगे और जो कुछ नया लिखना चाहते हैं, उनको आपने बहुत सारे सब्जेक्ट भी सजेस्ट कर दिए हैं कि वो इन विषयों पर कुछ नया लिखकर वाणी प्रकाशन तक पहुंच सकते हैं। अगर बहुत अच्छा लिखते हैं, रिसर्च करके लिखते हैं, तो वो आप तक अपनी किताब ला सकते अच्छी हैं। किताबों का हमेशा स्वागत। बिल्कुल, मैं एक आखिरी सवाल पूछ के सेशन को फिर एंड करूंगी। आज एक न्यूज आई है बहुत बड़ी कि बेटियों की जो शादी है उसकी न्यूनतम उम्र को अब बढ़ाए जाने के बारे में सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है। इस पे काफी सारा डिस्कशन भी चल रहा है हमारे सामने, उसको 21 वर्ष किया जा रहा है, और इसमें अब सभी धर्मों को सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम धर्म इसमें पहले इंक्लूडेड नहीं था। उसमें शायद 15 वर्ष रजस्वला को उसमें लिमिट रखा गया था, उसके बाद शादी करना मान्य हो जाता था। और एक चीज मैंने पढ़ी थी इसमें कि 15 यूनिसेफ का एक डेटा मिला है जिसमें बताया गया है कि भारत में आज भी 15 लाख बच्चियों की शादी, 15 लाख बाल विवाह होते जी हैं। तो ये जी इन सारी चीजों को मिलाते हुए अगर देखा जाए तो ये एक निर्णय ऐसा है जिसपे अगर वाकई काम होता है, क्योंकि डिसीजंस तो बहुत लिए जाते हैं हमारे यहाँ। आज भी बाल विवाह को, आज आज मैंने पढ़ा और मुझे आज ये पता चला कि बाल विवाह हमारे यहाँ एक दंडनीय अपराध आज तक नहीं था। मतलब वो अमान्य माना जाएगा, अगर कोई बाल विवाह करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस विवाह को अमान्य माना जाएगा, लेकिन वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में अभी भी नहीं आ रहा था। ये आज के अखबार में मैंने पढ़ा। तो ये जी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं पता था। तो आपको क्या लगता है कि ये जो आयु, न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाई जाएगी, ये कितने तरीकों से फायदेमंद हो सकती है, अगर हो सकती है तो, और इसके क्या और पक्ष हो सकते हैं आपके हिसाब से? सबसे पहली बात तो ये कि विवाह की आयु सीमा बढ़ाकर और वोट डालने की आयु सीमा पर अभी बात ना करके एक सवाल तो हमारे सामने उठ रहा है कि आप सरकार चुनने और जीवन साथी चुनने में फर्क कर रहे हैं। इसे बिल्कुल सकारात्मक रूप से भी देखा जा सकता है और इसकी छिटोली भी की जा सकती है। मैं सकारात्मक रूप से देख रही हूँ इस बात को, क्योंकि हमारी सिविल ड्यूटीज और हमारी पर्सनल ड्यूटीज, पर्सनल प्रेफरेंसेस दोनों अलग अलग हैं। जब हमारा बिल्कुल स्कूलिंग और एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हम 17 या 18 साल की उम्र तक 12वीं करते हैं और उसके बाद 3 साल ग्रेजुएशन के हमारे एजुकेशन सिस्टम के हिस्सा हैं, तो 21 साल करना ये बहुत अच्छा कदम है। इससे कम से कम ये जो एक दलील होती है कि अब 18 की हो गई, पढ़ लिख भी ली, अपनी हस्ताक्षर भी करना जान गई, अब अंगूठा छाप तो नहीं, अब कर दो शादी, इसके खिलाफ लड़कियों के पास अब एक औजार जरूर है कि हमें ग्रेजुएशन भी करना है, तो 21 साल तक का तो समय उन्हें मिल ही जाता है। दूसरी बात ये कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि लॉ एक पाषाण युग में धसा हुआ मील का पत्थर नहीं है। लीगल स्टडीज एक हर समाज में चलती फिरती एक एकेडमी है जिसको जो समाज के बदलते परिपेक्ष का आईना भी है। तो आज जब हम 21 साल की उम्र के रिवीजन के बारे में या उस बाल विवाह को दंडनीय अपराध घोषित करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमें फिर से अपनी न्यायपालिका में विश्वास जताना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अंकिता समाज के बदलते हुए चेहरे को न्यायपालिका के दरीचे में बदलाव के रूप में झलकना चाहिए। और मैं बिल्कुल इस आर्गुमेंट के पूरी तरीके से समर्थन में हूँ। 21 वर्ष लड़कियों की उम्र होनी चाहिए ताकि वो अपने इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें, अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, खुद के भविष्य के बारे में भी कुछ सोच सकें, और उनके परिवार वालों पर, खासकर की माता पिता पर, पूरे समाज का प्रेशर बनना बंद हो जाए कि 18 की हो गई है, अब इनकी शादी। तो एटलीस्ट सरकार की बिल्कुल तरफ से ये सपोर्ट बहुत बड़ा माना जाएगा। बिल्कुल।
बहुत अच्छी बात बताई आपने, और मैं भी इसके फेवर में हूँ, क्योंकि बेटियों को कम से कम ये मौका मिल जाएगा कि हाँ ठीक है, अब 18 के बाद हमारे पास 3 साल और हैं, वो किसी भी तरह से प्रेशर बनाकर करें या किसी भी तरह से करें, एटलीस्ट ग्रेजुएट होने की उम्मीद उनकी बढ़ जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज है। जी तो जी इसी के साथ हम इस सेशन को खत्म करेंगे, और एक दो छोटी सी जानकारी मैं बता देती हूँ कि आज से जैसे कि अदिति जी ने बताया था, किताब हमारी मार्क माई बुक के वेबसाइट पे भी ऑर्डर के लिए अवेलेबल हो जाएगी, और शायद आज जी से या कल से ही जल्दी ही अमेजन पे भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी, और बहुत जल्दी इस किताब के बारे में बताती हुई और किताब को समझाती हुई एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जो बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही आप सभी तक पहुंचेगी। वो तो पढ़िएगा ओहरे किसान, और बताइएगा हमें कि आपको किताब कैसी लगी। आप सभी की प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा रहेगी, और अदिति जी से बात करके आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो फिर मिलते मेरे हैं पास एक जल्दी ही। सरप्राइज है, मेरे पास एक सरप्राइज है। हाँ बताइए। हाँ, हमारे हमारे साथ किसान जी, क्यों हमारे साथ ओरे वाणी किसान लॉन्च प्रकाशन के जी हो रही आ रही है। है। अच्छा, बहुत अच्छा, सबको शुभकामनाएं। नई किताब आई, बहुत अच्छी किताब आई। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे साथ वाणी प्रकाशन के डायरेक्टर सर भी मौजूद थे, अदिति जी के बगल में बैठे हुए थे वो जब से, क्योंकि वो लोग साथ में ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि किताब प्रिंट से बस आने ही वाली है, और जल्दी ही पाठकों तक जी, पहुंचेगी। और आप भी इस किताब के लिए हमने युवा पाठकों के साथ जुड़ने के लिए एक एक कंपटीशन अनाउंस किया है। अंकिता उसके हाँ बारे में बिल्कुल जरूर बताएंगी, और मुझे बिल्कुल लगता है आज रात से आपको उस कंपटीशन को ओपन कर देना चाहिए अपने ट्विटर हैंडल से, हाँ फेसबुक हैंडल से, और बिल्कुल उसके बारे में भी आप जरूर बताइए। बिल्कुल। मैं जल्दी ही, आज आप सभी जुड़े रहे हैं, और आपको सिर्फ किसान शब्द को परिभाषित करते हुए एक सेंटेंस लिखना है 150 शब्द का ट्विटर पर, और 2 हैशटैग और 2 हैंडल के साथ उसको पोस्ट करना है, और जो जिसकी परिभाषाएं हमारे दिल को छू जाएंगी, उन 5 लकी विनर्स को ये किताब की हस्ताक्षरित प्रति और वाणी प्रकाशन की स्टेशनरी और वैदिक वाटिका की तरफ से एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट आपको आपके घर पहुंचाया जाएगा। तो मेरी वॉल से जुड़े रहें, वाणी प्रकाशन के पेज से जुड़े रहें, वैदिक वाटिका से जुड़े रहें, और पढ़ते पढ़ाते रहें। हम लोग फिर मिलेंगे। बहुत धन्यवाद शुक्रिया अंकिता, अदिति। बहुत मुबारक, आप नई आपकी किताब आगे की मुबारक। जी आपको भी और आपकी आगे की यात्रा शुभ हो। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।